बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कमर जमान है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और हमारा आज का मौजू है सर दर्द या माइग्रेन, जिसे हम कहते हैं कि बड़ों में माइग्रेन यूजली एक साइड पर होता है, मतलब राइट या लेफ्ट साइड चेंज करता रहता है। बच्चों में यूजली पूरे सर में, हम कहते हैं कि सारे सर में सर का दर्द, ये ऑन एंड ऑफ रिपीट होता रहता है महीने में कई दिन। बाद उनका स्कूल अफेक्ट होता है, स्कूल परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं रहती। माइग्रेन का क्योर तो नहीं है कि जी हम दवाई दें और बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं और मेडिसिन से काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है, लोगों को अफेक्ट नहीं करता। कोई भी पेन किलर आप अगर आप एक मंथ में 10 दिन से ज़्यादा लेंगे तो वो खुद हेडेक करना स्टार्ट कर देती है। दवाइयों से ज़्यादा आप बेहतर है कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें, एक्सरसाइज प्लस आपकी डाइट पर ज़रा एहतियात करें, तो उससे आप हेडेक क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है आपकी। देखिए, सर दर्द की दो वजूहात, एक को हम कहते हैं प्राइमरी और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वो वजूहात हैं जिसमें दिमाग अगर आप स्कैन करेंगे या स्ट्रक्चर वो नॉर्मल होता है, लेकिन सर का दर्द काफ़ी बुरा भी हो सकता है और बाज़ार काफ़ी शदीद, लेकिन वो MRI जब करेंगे या स्कैन करेंगे तो वो नॉर्मल लगेगा। दूसरी है सेकेंडरी वजूहात। सेकेंडरी वजूहात मतलब इन्फेक्शन, ट्यूमर या दिमाग की कोई ऐसी इंसल्ट जो इसका आगे बढ़ने का खतरा हो या रिस्क हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। अब जो सबसे कॉमन जो आपको हेडेक जो डॉक्टर के पास लाता है वो माइग्रेन है। एक तो रूटीन हेडेक जिसको टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, जो घर में होता है हल्का फुल्का, जो चाय पीने से या पेनाडॉल खाने से बेहतर हो जाता है, वो आपको डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ता, उसको हम टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। लेकिन माइग्रेन जो है वो काफ़ी बुरा होता है, बाज़वा रेगुलर बेसिस पे डेली होना स्टार्ट हो जाता है और या कि डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, आप काम काज नहीं कर सकते उस दौरान, और बाज़वा काफ़ी शदीद हो जाता है, नाकाबिले बर्दाश्त, और आपको डॉक्टर के पास लाजमी आना पड़ता है। तो माइग्रेन सबसे कॉमन प्राइमरी हेडेक आप कह सकते हैं कि जी ये हेडेक की बाकी वजूहात के मुकाबले में ये ऑन एंड ऑफ रेगुलर चलता रहता है और ज़्यादा कॉमन ये ख़वातीन में है, लेकिन मर्दों में भी हो सकता है। इसकी स्टडीज़ पाकिस्तान में तो कोई ऐसा अच्छी रिसर्च स्टडीज़ नहीं हुई, बट जो कॉमन हम एज ग्रुप देखते हैं वो फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, मतलब 20 साल से लेके यूली 40-45 तक, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। आफ्टर 50 इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। मेल में भी स्पेशली यंग मेल में 20-40 मोस्ट कॉमन एज है, जो इसमें ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं पेशेंट न्यूरोलॉजी OPD में, और हेड की सबसे कॉमन वजह भी माइग्रेन एज। माइग्रेन यूजली जेनेटिक डिसऑर्डर है। अक्सर जिनको माइग्रेन हो, अगर आप उनसे हिस्ट्री लें तो उनके पेरेंट्स में से किसी को या फैमिली में से किसी ना किसी को माइग्रेन होगा लाजमी। और फीमेल में इसलिए कॉमन है कि इसका लिंक हारमोन्स के साथ बेसिकली है, रिप्रोडक्टिव हारमोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ। तो इसलिए जो है बास फीमेल को स्पेशली होता ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में हेडेक होता है, बाकी दिनों में ठीक रहते हैं। तो इसलिए फीमेल में ज़्यादा कॉमन है कि इसका लिंक टू हारमोन जो फैक्टर है वो इसको जो हम कहते हैं कि 50s के बाद इसलिए कम हो जाता है कि वो आपके हारमोन्स डिक्लाइन करते हैं, तो इसका ये भी इसकी फ्रिक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाती है। माइग्रेन का जो अंडरलाइंग प्रोसेस है ना, बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है ब्रेन में और उसकी वजह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल हमारी फेस की नर्व को अफेक्ट करते हैं, उससे जो है वो पेन हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली। जब ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, जब उसका लेवल बढ़ता है बॉडी में तो वो इस प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जबकि इसके मुकाबले में प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है वो इसको ज़रा फ्रिक्वेंसी को कम करता है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। माइग्रेन के जो स्पेसिफिक हेडेक है वो उसमें ये एक थ्रोबिंग हेडेक, जैसे आप जो कहते हैं सर फट रहा है, ये वाली कैफियत यूजली होती है, और इसके दौरानिया जो है कम से कम 4 घंटे और इससे लंबा बाद पूरा 24 घंटे तक भी रह सकता है। इसके साथ मतली होना या दिल का ख़राब होना, रोशनी बुरी लगना, शोर बुरा लगना, और बाज़ार इतना बुरा होता है कि आप काम काज नहीं कर सकते, आपको बेसिकली लाइट ऑफ करके रेस्ट करना पड़ता है। माइग्रेन बच्चों में भी कॉमन है। बच्चों में थोड़ा सा ड्यूरेशन का डिफरेंस है, जैसे हम कहते हैं कि एडल्ट में एटलीस्ट 4 घंटे होने चाहिए, बच्चों में जनरल ड्यूरेशन जनरल 4 घंटे ज़रूरी नहीं है, बाज़ार को घंटा भी रह सकता है। और जैसे हम कहते हैं कि बड़ों में माइग्रेन यूजली एक साइड पर होता है,
मतलब राइट या लेफ्ट साइड चेंज करता रहता है। बच्चों में यूजली पूरे सर में, आप कहते हैं कि सारे सर में सर का दर्द, ये ऑन एंड ऑफ रिपीट होता रहता है महीने में कई दिन। बाद उनका स्कूल इफेक्ट होता है, स्कूल परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं रहती, तो उनमें भी ये बच्चों में प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे कॉमन ट्रिगर है आपकी अगर नींद ठीक नहीं है, स्लीप डिप्राइवेशन, आपने खाना लेट कर दिया या फास्टिंग, वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है। बाकी अगर आप सूरज की रोशनी में निकलें, सनलाइट आपकी आंखों में पड़े, उससे हो सकता है। परफ्यूम की स्मेल के साथ लिंक है। कुछ डाइट्स हैं लाइक कॉफ़ी, चॉकलेट, उनके साथ लिंक है। और दूसरा टेम्परेचर चेंज, जैसे आप एसी वाले कमरे से बाहर निकले या हीटर लगा हुआ है और सडन टेम्परेचर चेंज हुआ, तो उसके साथ इसका क्लोज लिंक है। माइग्रेन का क्योर तो नहीं है कि जी हम दवाई दें और बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं और मेडिसिन से काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है, लोगों को अफेक्ट नहीं करता। तो हमारा फोकस ये कि अगर उनको हेडेक तंग कर रहा है, माइग्रेन इतना बुरा है, तो मेडिसिन से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसे पेशेंट नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। इसमें जो है वो इसमें रूल ये कि जब आपको माइग्रेन का आता है, जब स्टार्ट होता है, आपको पेन की दर फौरन ले लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टैबलेट से फिर हेडेक कंट्रोल में आ जाता है। ये अगर आप डेली डिले करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तो फिर ये आम पेन किलर को रिस्पॉन्ड नहीं करता टैबलेट्स को, फिर आपको अक्सर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, एमरजेंसी जाना पड़ता है। तो इसमें रूल ये कि अगर आपको हेडेक स्टार्ट हो तो आपके पास पेन किलर होनी चाहिए, उससे आपका हेडेक का अटैक एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ना ट्रिगर आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आपको जिस चीज़ से हो रहा है। नींद अगर आपकी ठीक नहीं है, नींद कम पूरी कर लें, खाना आप टाइम पे खाएं, चॉकलेट अगर आप या कोई डाइट से लिंक है उसको आप अवॉइड करें, परफ्यूम की स्मेल से जितना बच सकते हैं। अब स्ट्रेस से फॉर एग्जांपल आप 100% बचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये दूसरा ये कि ये हेडेक काफ़ी बुरा होता है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको बस ये होता है कि कोई ट्यूमर ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर को विजिट कर लें, किस तरह का ऐसा अलार्म फीचर है जो उनके ख्याल में, तो वर्कअप आपका स्कैन MRI वो प्रिस्क्राइब वो करवाएंगे, वैसे आपकी बाकी वजूहत रूल आउट हो जाएंगे और मेडिसिन भी आपको मतलब वो डॉक्टर अच्छी प्रिस्क्राइब कर देंगे। देखिए ये वो वाले मेजर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि देसी टोटके, ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हेल्प करती हैं, तो इसलिए अगर वो हम कहते पेशेंट को कहते हैं अगर उनको ये चीज़ हेल्प कर रही है तो वो कर सकते हैं, मतलब मना नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, मगर उसका उनका असर थोड़ी देर रहता है और हेडेक फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो जिनको इससे बेहतरी महसूस हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपके पास पेन किलर आपके पास होनी चाहिए, जब हेडेक स्टार्ट हो तो आप पेन किलर फ़ौरन लें, अगर आप पॉसिबल है रेस्ट करना तो आप थोड़ी देर के रेस्ट कर लें, उससे कंट्रोल में यूजली आ जाते हैं। देखिए जो रिसर्च में कोई बहुत अफेक्टिव ऐसी चीज़ें नहीं मिली कि जी फ्रीक्वेंसी को कम करे, वो वक्त तौर पर रिलीफ आपको पेन को या दर्द की शिद्दत को कम करने में या उसको ड्यूरेशन को कम करने उसमें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ये चीज़ें वाकई अफेक्टिव हैं। बेसिकली होता है कि जब उनकी पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं तो हम कहते हैं कि आप पेन की दवाई लेना स्टार्ट कर दें, तो जब तक उनका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उस दौरान वो पेन किलर लेती हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है उनको फिर पेन किलर स्टॉप मतलब कर सकती हैं, उनको रेगुलर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। और बाद दवाई ये कि अगर बहुत शदीद हो तो बाद हार्मोनल थेरेपीज भी हैं जो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं इसको बेहतर करने में। देखिए इसमें ट्रीटमेंट दो किस्म की हैं, एक को हम कहते हैं एबॉर्टिव ट्रीटमेंट, एबॉर्टिव से मुराद ये कि आपका अटैक स्टार्ट हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो वो तो पेन किलर हैं। एक पेन किलर रूटीन वाले हैं, पेनाडॉल लेट्स हो गई या ब्रोफीन हो गई। बहुत सारे केसेस हैं बाद आपके रूटीन आम पेन किलर काम नहीं करते, तो उस पर कोई खास पेन किलर जिसको हम ट्रिप्टान्स वाला ग्रुप कहते हैं या कुछ और दवाइयाँ हैं वो, तो वो आपके अटैक को ख़त्म करने में हेल्प कर सकती हैं। दूसरी है बचाव की दवाई, ताकि आपका हेडेक स्टार्ट ही ना हो, अगर हो तो शिद्दत ज़्यादा ना हो, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन। तो उनको फिर आपने रेगुलर बेसिस पे लेना होता है और पेन की दवाई को आप हंस बेसरत साथ रखते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में तो बेसिकली आपको सारी पेन किलर दवाइयाँ आपको अवॉइड करनी होती हैं, तो यूजली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर हेडेक हो तो सिर्फ वो पेनाडॉल सिंपली ले लें।
लेकिन बाज़ार पैनाडोल से कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, तो उसमें जो है बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं लेकिन वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना है, तो उसकी कुछ ख़ास दवाइयाँ जिनका हमें सिर्फ ज़रूरत के वक्त देनी होती हैं और वो भी बड़ी कम मकदार में, तो ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि उसको पैनाडोल का मैनेज कर लें। वैसे भी प्रेगनेंसी में 70% खवातीन में हेडेक यूजली बेहतर हो जाता है, इंप्रूव कर जाता है, सिर्फ 30% ऐसे हैं जिसमें माइग्रेन वर्स भी हो सकता है। आपका इस तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इफेक्ट होगी, आपको हेडेक डेली होना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी आपकी थकावट, आपको भूख नहीं लगती, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और आप काम ना भी नहीं कर सकते, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जॉब सारे इफेक्ट होते हैं ऐसे। जो हम MRI करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम सेकेंडरी वजूहात को रूल आउट कर लें। माइग्रेन जो है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब आपने बाकी वजूहात को रूल आउट कर लिया, बाकी इसका इसकी तशखीस अलामात की बुनियाद पे, जैसे हम कहते हैं कि जी सर फटने वाली कैफियत या साथ में वोमिटिंग और रोशनी बुरी लगना, शोर बुरा लगना, अगर ये अलामात आ रही हैं और MRI ब्रेन नॉर्मल है तो फिर हम पेशेंट को लेबल कर सकते हैं कि उनको माइग्रेन है। हमारे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में वो इसलिए आते हैं कि उनका ख्याल होता है कि यार उनको के दिमाग में कोई ट्यूमर है या कोई डेंजरस चीज़ है, बिकॉज हेडेक डेली होना स्टार्ट हो जाता है, वो कहते हैं 24 घंटे उनका हेडेक रहता है और वो कोई काम काज करने के काबिल नहीं होते, मतलब वो थोड़ा लाइट पर भी नहीं जा सकते, शोर उनको तंग करता है, घर के जो नॉर्मल काम है वो सारे उनके इफेक्ट हो रहे हैं, तो माइग्रेन क्वाइट डिसेबलिंग हो सकता है, मतलब स्पेशली हाउस वाइफ उनको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रूल के पेन किलर को आपने डेली बेसिस पे नहीं लेना, बहुत सारे पेशेंट हैं उनको डेली अगर हेडेक हो रहा है तो वो डेली पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी पेन किलर आप अगर आप एक मंथ में 10 दिन से ज़्यादा लेंगे तो वो खुद हेडेक करना स्टार्ट कर देती हैं, उसको हम कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक। तो मेजॉरिटी केसेस में माइग्रेन के वो मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक उसको कॉम्प्लिकेट करवाता है, इसमें बेस्ट ये कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि आपको बचाव की दवाई वो स्टार्ट करें और पेन किलर को हमें कट डाउन करना है, पेन किलर को हफ्ते में 2-3 दिन से ज़्यादा आप ना लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये क्या है, दवाइयों से ज़्यादा बेहतर है कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें, एक्सरसाइज प्लस आपकी डाइट पे ज़रा एहतियात करें, तो उससे आपका हेडेक क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है आपकी।